हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व प्रिंसिपल का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी, क्योंकि इस वक्त सीबीआई के हिरासत में है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। लगातार पूछताछ और कहा ये जा रहा है, जो बातें निकल करके सामने आई है वो ये कि संदीप घोष का जो स्टेटमेंट है वो मेल नहीं खा रहा है। ऐसे में सच का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात कि संदीप घोष की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स रहे वहाँ पर, जो डॉक्टर्स रहे जिन्होंने मानव तस्करी का आरोप भी लगाया, मानव अंगों की तस्करी को लेकर के। इसके अलावा वहाँ पर जो बाकी के लोग थे जिन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, अब तमाम बातें और इसमें जो सच था लेडी डॉक्टर की हत्या और मर्डर से जुड़ा ये पूरा मामला, और इस पूरे मामले में जो बर्बरता, जो दरिंदगी हुई उसमें संदीप घोष की भूमिका को लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेट इस वक्त सीबीआई कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, यानी कि सच का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कराया जाएगा। कोलकाता कांड में फुल एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो आरोपी संजय है उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट की खबर सामने आई थी, और अब खबर ये कि सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी, जो कि प्रिंसिपल रह चुका है। और जिस तरीके से बड़ी घटना घटी उसके बाद संदीप घोष की भूमिका को लेकर के सवाल उठे, खासतौर पर जो बातें निकल करके सामने आई, और इसी के बाद वहाँ पर उसको जब सीबीआई पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर के लगातार घंटों की पूछताछ हुई। और अब जानकारी ये कि सीबीआई इस पूरे मामले में संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है। बड़ी खबर कोलकाता में जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटती है, और इसी बीच आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगी, तो इसमें क्या हो सकता है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि सील बंद ये लिफाफा होगा। लेकिन जो बड़ी बातें हैं जिस पर पूरे देश की निगाह होगी, क्योंकि बेटी के साथ बर्बरता हुई, लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, कई सारे ऐसे पहलू हैं, और इसी को लेकर के सीबीआई की रिपोर्ट में आखिरकार क्या क्या हो सकता है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका की भी लगातार जांच हो रही है। इसी बीच खबर ये कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, सबूतों के साथ छेड़खानी के एंगल से भी संदीप घोष से पूछताछ, और वो कितना सच बोल रहा है ये जानने की कोशिश भी होगी। क्योंकि देखिए वहां पर जिस तरीके से रेनोवेशन की बात भी कही गई है, तो क्या वजह रही जो रेनोवेशन की बात वहां पर कही गई थी। इसके अलावा आखिरकार परिजनों को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी गई, एफआईआर देर से क्यों दर्ज कराई गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना चाहती है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसी वजह से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। पूर्व प्रिंसिपल का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी, इसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है, लोग सड़कों पर हैं, बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों की मांग है, डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के आग बबूला है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती हुई, और तमाम जानकारी के साथ सुरेश झा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुरेश, क्योंकि ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका जो कि संदिग्ध बताई जा रही है, पूछताछ लगातार जारी है, और अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, किन सवालों का जवाब इससे मिलने की उम्मीद। सुरेश, देखिए हम आपको बता दें कि ये जो कलकत्ता वाला जो मामला हुआ था, इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, संजय राय की, गिरफ्तार किया था कोलकाता पुलिस ने। उसके बाद राज्य सरकार पे तमाम तरह के आरोप लगे थे कि इसमें और भी आरोपी जिनको बचाने की कोशिश की जाए, तमाम तरह के आरोप थे। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सौंप दी थी सीबीआई को। अब सीबीआई की जांच जो थी संजय राय से पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद इस मामले में जो और भी आरोपी थे जिनके बारे में बताया जाता कि और भी आरोपी हैं, लेकिन राज्य सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो सीबीआई उन तक पहुंची। लेकिन सीबीआई के सामने दिक्कत ये आ रही है कि संजय रॉय से लगातार पूछताछ हुई, संजय रॉय ने उनको बताया कि क्या क्या घटना कैसे हुई। उसके बाद जो दूसरी पूछताछ हुई वो हुई थी संदीप घोष से, जो संदीप घोष उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं। संदीप घोष से पूछताछ हुई, कई राउंड की पूछताछ हुई, लेकिन अब जो सीबीआई जानना चाहती है वो उनसे नहीं बुलवा पा रही है। तो अब सीबीआई के जो टॉप सोर्स है उनका यही कहना है, सीबीआई अधिकारियों का भी लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं संदीप घोष का जो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा, यानी अब उनसे सच उगलवाने का एक ही रास्ता है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जो टेस्ट के जरिए उनसे तमाम तरह की बातें उगलवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इसमें जो और भी जो आरोप है, हालांकि आरोप तो लगे, लेकिन उन आरोपों को साबित करना सीबीआई के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि इस मामले में कहा जा रहा है कि कुछ और लोग शामिल है, क्योंकि एक अकेला शख्स जो लड़की के साथ बड़ी हैवानियत नहीं कर सकता। अब इसी को देखते हुए सीबीआई ने यह निर्णय लिया है
कि अब संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा, इसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। और संदीप घोष इसका प्रोसीजर क्या रहता है एक बार जरा दर्शकों को सुरेश बताएं कि अक्सर ऐसे केसेस में अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है तो कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होता है इन्वेस्टिगेशन टीम को? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट उस समय करवाया जाता है जब किसी भी जांच एजेंसी को ये लगता है कि जब कोई आरोपी जो है वो सच उनसे छिपा रहा है, उनसे नहीं बताना चाहता है, तो एक प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है। हालांकि इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पहले आरोपी जो खुद उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जो है इसको पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है, तो उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर जो बातें आती है, हालांकि उसको रिकॉर्ड में लिया तो जाता है, लेकिन कोर्ट के अंदर कितना साबित होता नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन उस सच उगलवाने का एक ऐसा तरीका होता है जो तमाम जांच एजेंसियां जो है उसका इस्तेमाल करती है। जी, सबसे अहम क्योंकि इस पूरे मामले में संदीप घोष को लेकर के भी सुरेश कई सारे सवाल उठे, क्या वो मिडिलमैन की भूमिका में था, इसके अलावा वहां पर रिनोवेशन के ऑर्डर्स क्यों दिए गए, ये भी सवाल होता है। दूसरा सवाल ये कि परिजनों को देर से इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई, परिजनों को सच क्यों नहीं बताया गया। फिर सवाल ये कि FIR देर से क्यों दर्ज कराई गई, इसके अलावा पन्नों का राज क्या था, वहां पर जो स्टूडेंट्स और जो आरोप लगाए गए कि वहां पर मानव अंग की तस्करी हो रही थी, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब जानने की कोशिश करेगी CBI। जी बिल्कुल, इस पूरे साजिश के अंदर कहीं ना कहीं जो संदीप घोष ऐसे शख्स हैं जिनसे अब CBI चाहती है, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा तभी हो सकता है जब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ के उसी कॉलेज के एक पूर्व अधिकारी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, हालांकि राज्य सरकार ने परसों ही इस पूरे मामले के लिए जो है इनसे संदीप घोष के खिलाफ जो FIR दर्ज कर ली थी कि वित्तीय अनियमितता, यानी उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर जो वित्तीय अनियमितता हुई थी अस्पताल के अंदर कॉलेज के अंदर, उसके खिलाफ पहले ही उन्होंने FIR दर्ज कर ली थी, उसकी जांच शुरू कर दी है। लेकिन उसके जो कॉलेज के जो पूर्व एक अधिकारी है उन्होंने उससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए अब उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जाँच जो ED से करवाई जानी चाहिए, यानी ED इस पूरे मामले सच्चाई करेगी कि जो आर्थिक अनियमितता जो हुई है उसमें अरबों रुपए का खेल हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो संदीप घोष मुश्किल से बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलीग्राफ अगर टेस्ट होता है तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है, अगर उसमें कुछ निकल के नहीं आता तो CBI के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि CBI को यही सोच के मामले की जाँच सौंपी गई थी कि CBI इसकी तह तक जाएगी, लेकिन CBI अभी तक एक कदम भी आगे। लेकिन जरा सुरेश ये बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब CBI जांच कर रही है, इससे पहले खबर ये सामने आई कि जो आरोपी है जो कि अभी कस्टडी में है, जो गिरफ्तार है संजय रॉय, उसके भी पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर के अनुमति मिल चुकी थी कोर्ट से, लेकिन बीच में कुछ पेंच आ गया, अटकर ये कहा गया, बात ये सामने आई कि दरअसल जो वकील है वो केस लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में क्या जटिलताएं होती है इस पूरे प्रोसीडिंग को लेकर के? देखिए, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको किसे पॉलीग्राफ टेस्ट करने, कोर्ट भी परमिट करेगा आपको कि उसमें कई चीजें डॉक्यूमेंट चीजें होती है, ऐसी चीज डाली जाती है जिससे आदमी सच उगलता है। हाँ। वो चीजें कोर्ट के उस पर ली जाती है, कोर्ट के संज्ञान कोर्ट में डाला जाता है, उसके बाद कोर्ट परमिट करता है कि आपको करना है, आरोपी की परमिट लेनी पड़ती है। तो यही तरीका होता है। अब जैसे कि संजय राय का भी, अब संजय राय के बारे में कहा जा रहा है कि उसका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि वो कुछ और बात छिपा रहा है। ठीक, अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका सुरेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।